तो हम फ्रेंड सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें पढ़ेंगे सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या सेलिएंट फीचर्स हैं मैं आपको बता दूं, जो ऐड किए गए थे, मतलब ये सेलिएंट फीचर्स जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने बताए थे क्या क्या सेलिएंट फीचर्स हैं। इंट्रोडक्शन हुआ था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का, इसको 1976 में लेके आए। 4+2=6 होते हैं तो 1976 में इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। आर्टिकल 368 केशवानंद भारती केस वो था और उसमें 1973 में आया था। सुप्रीम कोर्ट इसमें बोलती है कि जो पार्लियामेंट डज नॉट, मतलब किसी से अल्टर नहीं कर सकती, दूर नहीं कर सकती बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कुछ की फीचर्स हैं वो देखते हैं। एक तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड में, आपको पता ही है। ओरिजिनल 1949 में इसको अडॉप्ट किया गया था, जिसमें ओरिजिनल 395 इसमें आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट में डिवाइड था और 8 शेड्यूल थे ओरिजिनली। अब इसमें करंटली कितने हैं, 448 आर्टिकल्स हैं, 25 इसमें पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। तो कितने ऐड हुए हैं वो आपको देख लेना। 104 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जो लेटेस्ट आया 25 जनवरी 2020 को आया, ठीक है ना। द वेरी फर्स्ट अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज 1950, जो पहला अमेंडमेंट किया गया था 1950 में किया था, और जो लास्ट आया 104 आया है, अब एक 105 भी आ गया है। आपको नोट कर लेना ओबीसी के लिए, आप उसमें देख लेना, जिसमें स्टेट को पावर बढ़ा दी गई, स्टेट अपनी लिस्ट बना सकते हैं, स्टेट अपनी लिस्ट तैयार कर सकते हैं ओबीसी के ऊपर, तो वो भी आ गया है। 4 फैक्टर हैं, क्यों इतना बड़ा क्यों है, उसके ज्योग्राफिकल फैक्टर है, हिस्टोरिकल फैक्टर, हमारी हिस्ट्री इतनी बड़ी है। उसके बाद सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है बोथ सेंटर और स्टेट के लिए, इतनी बड़ी डोमेन से डाइवर्सिटी इतनी है, तो इसलिए इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। और जो बनाने वाले थे डोमिनेंस था वो कम से कम वो सब वकील थे, मोस्टली अंबेडकर वकील थे, ये वकील थे, जवाहरलाल नेहरू वकील थे, तो वकीलों की तो कहानी तो आपको पता ही है कितनी उलझी होती है। तो सारे वो बनाने वाले ही वो ऐसे थे, सब उन्होंने ऐसे ही बनाया। उसके बाद कुछ वेरियस सोर्स से जहाँ जहाँ से लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन, देखो जो है अमेरिका से क्या क्या लिया गया। देखो अमेरिका में क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर है, फेडरल है, स्टेट अलग है और सेंट्रल अलग है, आपको पता है। वहाँ पे एक बिल्स राइट्स भी बोला जाता है, राइट टू बिल्स राइट्स भी बोला जाता है, उसके फंडामेंटल राइट इंडिया में बोला जाता है। फेडरल स्ट्रक्चर है तो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर वहीं से लिया है हमने। वहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी, देखो जुडिशरी भी इंडिपेंडेंस है, सबकी अलग अलग है, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर अमंग द 3 ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब वहाँ पे बहुत सेपरेशन चीज है जुडिशरी में, लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में, स्टेट में, सेंटर में, बहुत सेपरेशन पावर है। तो वो सारी जो हमने इलेक्ट्रोल कॉलेज हो गया अपना, फेडरल हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, सारी इंडिपेंडेंसी जुडिशरी की सेपरेट रखने के लिए इनसे लिए, जुडिशियल रिव्यू इनसे लिए, प्रेसिडेंट एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स वो भी इनसे लिया है, क्योंकि वहाँ भी ऐसे ही होता है। इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, सबको इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ दी जाएगी, वो भी वहीं से लिया है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी जो फॉर्म है, मतलब जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वो भी कहीं ना कहीं वहीं से लिया है, ठीक है, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। ब्रिटिश से क्या लिया है हमने, ये शायद ही गलत हो जाएगा थोड़ा, पार्लियामेंट्री जो फॉर्म हमारी गवर्नमेंट है ये हमने ब्रिटिश से लिया है, ये यहाँ पे एक मार्क कर लेना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये ब्रिटिश का है। सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ, देखो रूल ऑफ लॉ यहाँ से लिया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ उनसे लिया है, रिट्स लिए हैं, स्पीकर लिया है, हिज और हर्स रूल, रोल लॉ मेकिंग प्रोसीजर लिया है हमने, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ लिया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इनसे लिया है, क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिए है, जो हमने ये किससे लिया है, ये हमने ब्रिटिश से लिया है, ये याद रखना। जो फेडरल वाले स्ट्रक्चर है, सेपरेशन ऑफ पावर है, इन सब चीज़ों में होनी चाहिए, जो प्रेसिडेंट होंगे सुप्रीम कमांडर, अब प्रेसिडेंट थोड़ी लेंगे ब्रिटिश से, वहाँ पे थोड़ी होता है प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर, वो यूएस में होते हैं, वहाँ पे तो वो प्रेसिडेंट होते नहीं है, वहाँ पे तो मोनार्की होती है, मतलब प्रिंसेस विंसेस होते हैं, तो ये सारा कुछ हमने इनसे लिया। कैनेडियन से क्या लिया, कैनेडियन से हमने लिया स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर विद सेंटर, कि कैनेडियन में क्या होता है, वहाँ पे क्या है, कैनेडा बिल्कुल हमारी तरह ही है, वहाँ पे जो हम जो मॉडल फॉलो होता है हमारे सेंट्रल स्टेट के रिलेशन बिटवीन का, वो कैनेडियन मॉडल फॉलो होता है, कि जो फेडरल स्ट्रक्चर तो है पर मोस्टली जो पावर है वो सेंटर के पास रहती है, डिस्ट्रीब्यूशन पावर लिए सेंटर और स्टेट के बीच में जो हमने लिया है वो यहीं से लिया है। रेसिड्यूरी पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो भी हमने उनसे लिया है, DPSP हमने कहीं उनसे लिया है। तो आप कैनेडा से हमने क्या लिया, फेडरल स्ट्रक्चर विद सेंटर लिया है, फेडरल स्ट्रक्चर विद सेंटर हमने क्या लिया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट लिया है उनसे, हमने रेसिड्यूरी पावर लिए हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के वो भी इनसे लिए हैं, और DPSP लिए हैं, तो फंडामेंटल राइट US से, DPSP हमने लिया इनसे लिया। इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, इंपॉर्टेंट है इरिस, कई बार पूछा गया, इनसे लिबर्टी इक्वलिटी फेटर्निटी हमने इन्हीं से लिया है, लिबर्टी इक्वलिटी फेटर्निटी। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भी इन्हीं से लिया है, और नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा वो भी हमने इन्हीं से लिया है। देखो हम कैसे याद रखें, इरिस हमारे प्रेसिडेंट इरिस गए और मेथड लेके आए कि कैसे नॉमिनेट करना है मेंबरों को राज्यसभा के अंदर,
ठीक है ना, उसमें क्या होना चाहिए, लिबर्टी इक्विटी फेटर्निटी होनी चाहिए, मैंने ऐसा याद किया हुआ। हमारे प्रेसिडेंट कहाँ पे गए, आयरिश गए, वहाँ से मेथड सीख के नॉमिनेट कैसे करना है मेंबर को, उन्होंने बताया आप लिबर्टी इक्विटी फेटर्निटी तरीके से कर सकते हैं। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो लिया, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स लिया है बिटवीन द स्टेट और कंट्री के बीच में, ये हमने फ्रेंच से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपको तीनों पता लग गया, आपने किससे लिया है, DPSP किससे लिया है, वो लिया है आपने, लिया है कैनेडियन से, ठीक है ना। DPSP फंडामेंटल राइट्स लिया, वो US से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से आपने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए हैं, कॉन्करेंट लिस्ट लिया, पावर ऑफ द नेशन लेजिस्लेट मेकिंग इंप्लीमेंट द ट्रीटी आउटसाइड द नॉमिनल फेडरल स्ट्रक्चर, तो ये भी आपने ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। USSR से आपने क्या लिया है, प्लानिंग कमीशन जो ली थी जो अब ख़त्म कर दिया गया है, और जो प्रोसीजर था अमेंडमेंट करने का, कैसे अमेंडमेंट करना है, वो हम उनसे लिया था। साउथ अफ्रीका से आपने इलेक्शन ऑफ राज्यसभा लिए और इमरजेंसी प्रोविंसेस लिए, ये साउथ अफ्रीका से। जर्मनी से आपने प्रोसर इस्टेब्लिश बाय द लॉ लिया है, और जापान से फेडरल स्कीम, रोल ऑफ द फेडरल जुडिशरी, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, इमरजेंसी प्रोविंसेस, पब्लिक सर्विस कमीशन और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये लिए। और बचा हुआ सारा आपका जो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 आया था उसी से सारा कुछ लिया गया। अब क्या है कि ब्लेंड एंड रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे में क्या है कि बहुत रिजिड भी है कहने को और बहुत फ्लेक्सिबल भी, आसानी से हम उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि फाइन बैलेंस रखता है, पावर रखता है, रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल ही है, इट इजी टू मॉडिफाई, ठीक है ना। और अंडर आर्टिकल 2368 ले डाउन द टू मॉडिफिकेशन, दो मॉडिफिकेशन भी बताता है कि एक तो प्रोविजन है कि 2/3 मेजोरिटी से आप कर सकते हैं ईच हाउस, ठीक है ना, मोर देन 50% जो प्रेजेंट एंड वोटिंग जो बताते हैं, और एक कर सकते हैं कि अमेंडमेंट कर सकते हैं स्पेशल पार्लियामेंट मेजोरिटी विद द हाफ ऑफ द स्टेट और रेक्टिफाई कर दें, तो दो तरीके से आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं आर्टिकल 368 के अंदर, एक तो स्पेशल मेजोरिटी से और स्पेशल मेजोरिटी विज हाफ ऑफ द स्टेट रेक्टिफाई करके भेज दे, तो दो तरीके से आप कर सकते हैं। इंश्योर करता है कि वाइडेस्ट जो पॉसिबिलिटी होती है मेजोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करने की, एट द सेम टाइम जो मैनर है, ऑर्डिनरी जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, सर्टेन प्रोविंस चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, सच अमेंडमेंट नॉट विद इन द आर्टिकल 360। एक हम सिंपल मेजोरिटी से भी कर सकते हैं, जैसे हम आर्टिकल 1 से लेके और हमने 3 तक कोई चेंज करना है, वो सिंपल मेजोरिटी से आप कर सकते हैं, तो ये हो गया। किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन करना है, सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप एक आर्टिकल 368 से कर सकते हो, कुछ चीज़ ऑर्डिनरी से कर सकते हो, और कुछ चीज़ ऐसी हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए, इमरजेंसी प्रोविंसेस हो गए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होगी, बट द कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर टू डिफाइन, मतलब द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन लिस्टेड अबव। तो हमारा कुछ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत हार्ड भी है चेंज करना और बहुत सिंपल भी है चेंज करना। हमारे यहाँ दोनों तरह की चलती है, फेडरल भी चलता है, डिवीज़न भी है स्टेट और सेंटर में, और यूनिटरी भी है। यूनिटरी मतलब कि सेंट्रल अपने पास भी अपनी पावर अपने पास रख लेता है, वो कैसे रख लेता है, कोई इमरजेंसी चीज़ आ जाए तो सेंट्रल सारी पावर ले लेगा स्टेट से। तो हमारे क्या है कि ऑल द फेडरल करेक्टर है, हमारी पूरी गवर्नमेंट डुअल गवर्नमेंट सिस्टम है, हमारे यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट की डिवीज़न ऑफ पावर है बिटवीन स्टेट एंड ऑर्गन के बीच में, जुडिशरी लेजिस्लेटिव सब में डिफाइंड पावर है, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी सब अलग 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 चीज़ें, हमारे फेडरल पूरी तरीके से मेंटेन है। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक इन दैट द इंक्लूड, अगर यूनिटरी फीचर है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है हमारे पास, ये आपको पता है, ऑल द इंडियन जो सर्विसेज होती हैं वो कॉमन रहती है, सेंटर अपॉइंटेड करता है स्टेट के, जो ऑल इंडिया सर्विस होती हैं तो वो कहीं नहीं, यूनिटरी फीचर है। ट्रांसफर द कॉन्स्टिट्यूशन इन टू द यूनिटरी वन ऑफ द नेसेसरी अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, जो प्रेसिडेंट रखते हैं वो भी कहीं ना कहीं यूनिटरी का होल्ड रखते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी दी गई हैं। फिर हमारे जो है आर्टिकल 1 क्या बोलता है, क्लियरली बोलता है कि यूनियन ऑफ द स्टेट रेदर फ्रॉम द फेडरल ऑफ द स्टेट, हम बोलते हैं यूनियन ऑफ द स्टेट, तो हमारा यूनियन ऑफ द स्टेट है। इन इंडिया स्टेट डिड नॉट कम टुगेदर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है ना, जो स्टेट है डिड नॉट कम टुगेदर, मतलब ये सारी स्टेट मिलके इन्होंने सेंटर नहीं बनाया, जैसे US में बनाया 50 स्टेट एक साथ मिली तब उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाया, तो यूनाइटेड हुआ स्टेट का जब जाके अमेरिका बनाया, लाइक US से हमारा जो है एक तरह से विच वॉज द प्योर, उसमें प्योर फेडरेशन है, मतलब प्योर फेडरेशन मतलब प्योर डिवीजन है पावर का, पर हमारा जो सारा सिस्टम है सेंटर का वो क्रिएट हुआ है आर्टिकल 3 से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक द पार्लियामेंट सोल अथॉरिटी टू क्रिएट ए न्यू स्टेट, क्लियरली इंडिकेट किया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी नेचर है विद सर्टेन फेडरल करेक्टर, जो मैं आपको बताऊँगा कि हमारा जो मेन है वो हमारा प्योर फेडरलिज्म नहीं है, क्वासी फेडरलिज्म आप उसको बोल सकते हो, पानी पी लो एक बार। तो आप इसको क्वासी फेडरलिज्म बोल सकते हो। दूसरा आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हमने मैंने ऊपर बताया था, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से हमने लिया है,
और इंडियन क्वेश्चन ऑप्टेड है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, ये आपको पता ही है। एग्जीक्यूटिव आर द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लेजिस्लेचर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है आपको पता ही है। रूल ऑफ मेजोरिटी पार्टी का हमारा होता ही है, जिसकी मेजोरिटी उसका रूल होता है। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं और चीफ मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ द स्टेट होते हैं या लीडर ऑफ सेंटर बोल दो गवर्नमेंट होते हैं। लोअर हाउस जो होता है वो डिजॉल्व हो सकता है, जैसे लोकसभा आपकी है या स्टेट असेंबली डिजॉल्व हो जाती है हर 5 साल में। गवर्नर फॉर्म ऑफ द कैबिनेट, जो गवर्नमेंट बनती है वो कैबिनेट फॉर्म करती है, आपको पता ही है ये सारा कुछ हमारे यहाँ होता ही है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर क्या है कि फिर आता है मतलब कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, जुडिशियल सुप्रीमेसी कैसी है। हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी जो पार्लियामेंट की है, लाइक ए ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो प्रिंसिपल जुडिशरी है वो अमेरिकन की तरह है, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की तरह है। अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करता है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 क्या करता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ। जो सुप्रीम कोर्ट है डिक्लेयर करता है कि पार्लियामेंट लॉ एज ए अनकॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, क्या करता है अपनी पावर से क्या कर देता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देता है बहुत सारी चीज़ों को, अगर बेसिक स्ट्रक्चर को हार्मफुल पहुंचा रहा है। पार्लियामेंट कैन अमेंड द मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, थ्रू द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, मतलब पार्लियामेंट क्या कर सकती है, मेजर पोर्शन को अमेंडमेंट कर सकती है, ठीक है, ये भी आपको पता ही है। इंडिपेंडेंट क्या है हमारे में और इंटीग्रिटी जुडिशियल सिस्टम कैसा है, ये तो आपको पता ही है। इंडिया क्या है, अनलाइक द यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट की तरह नहीं है। देखो फेडरल इंडिपेंडेंट जुडिशरी तो है, जो हमने कहाँ से ली है, यूएस से, पर हमने यूएस की तरह हमने डिफरेंट जुडिशरी नहीं ली है। वहाँ पे क्या होता है कि स्टेट कानून के लिए स्टेट की कोर्ट होती है और सेंट्रल कानून के लिए सेंट्रल कोर्ट होती है, उनमें आपस में एक दूसरे में वो दखल नहीं दे सकती। पर हमारे क्या हायरार्की है, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट के नीचे सबॉर्डिनेटेड कोर्ट है, तो हमारे ऐसे हायरार्की है। वेयर द टू टायर्ड जुडिशरी है, सिंगल जुडिशियल सिस्टम है, कि सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप है और स्टेट के और डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट उसके नीचे आती जाती है, सबॉर्डिनेट उसके नीचे आती रहती हैं, ठीक है। पर वहाँ पे अलग अलग सिस्टम है, वहाँ पे क्या है कि ऑल द लेवल पे कोर्ट वहाँ पे है, इन्फोर्स करती हैं बहुत सेंट्रल और स्टेट लो, अनलाइक द यूएस। वहाँ पे क्या होता है, स्टेट के लिए स्टेट कोर्ट है और सेंट्रल के सेंट्रल कोर्ट है, तो ऐसा वहाँ पे है, पर हमारे में नहीं है। हमारे में तो स्टेट कोर्ट भी हाई कोर्ट भी सेंट्रल के लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशन कर सकती है, वो देखती है। नॉट ओनली द जुडिशरी सिस्टम वॉज वेल फुल्ली इंटीग्रेटेड इन इंडिया, बट बिकॉज इज द प्रोविजन इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट, हमारा जो इंडिपेंडेंट भी है और पूरी तरह बिल्कुल सेपरेट भी है एग्जीक्यूटिव से। अपॉइंटमेंट जज की कौन करता है, जज खुद ही करते हैं, मैंने आपको बता रखा है कोलिजियम से। रिमूवल ऑफ द जज कौन करता है, जज इन द पार्लियामेंट थ्रू द इम्पीचमेंट प्रोसेस से होता है, वो बहुत डिफिकल्ट है उसको पास कराना, तभी तक आज तक कोई जज इम्पीचमेंट नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट की जज की सैलरी एक बार निर्धारित होती है उसको चेंज नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूटरी फंड ऑफ इंडिया से वो आती है, चार्ज में आती है, चार्ज यानी कि चार्ज जो होते हैं ना ये बिना उसके पास हो जाते हैं, ठीक है, इनके लिए वोटिंग नहीं होती, चार्ज सैलरी होती है। पावर टू पनिश सेल्फ, मतलब ये पनिश है। बैन टू द जस्ट प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, जब जज रिटायर हो जाते हैं उनकी वो प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते, तो हमारा इसलिए इंडिपेंडेंट लगती है। फंडामेंटल राइट्स हमारे पे पार्ट 3 में ये आपको याद रखना, राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 तक है, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट टू अगेन एक्सप्लॉयटेशन 23-24, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ये आता है चाइल्ड लेबर पे। फिर आता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो आता है आपका, कल्चर और एजुकेशन के ऊपर 29-30, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 में दिया गया, और फंडामेंटल राइट आर मीन टू प्रमोट द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। देखो ये कई बार पूछा गया, जो आपके फंडामेंटल राइट है वो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल डेमोक्रेसी का प्रमोट करते हैं, नहीं ये पॉलिटिकली ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, कोर्ट भी इन्फोर्सेबल कर देते हैं, नॉट एब्सोल्यूट, सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ये एब्सोल्यूट नहीं है, सरकार चेंज कर सकती है इसमें कुछ भी, पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, बहुत मुश्किल से चेंज हो पाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ता है। ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी सारे ये अपने आप ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं, एक्सेप्ट 20 और 21 नहीं खत्म होते हैं, जैसी नेशनल इमरजेंसी घोषित हुई तो ये सारे जितने फंडामेंटल राइट हैं ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं, फिर कोई फंडामेंटल नहीं चलता और आप उसके अगेंस्ट में कोर्ट में भी नहीं जा सकते, तो ये भी है, एक्सेप्ट 21 और 20 नहीं खत्म होता। फिर आते हैं डी पी एस पी, ये पार्ट 14 में रखे गए कॉन्स्टिट्यूशन के, और ठीक है एम क्या था कि वेलफेयर ऑफ द स्टेट, मतलब कि खुशहाल स्टेट बनाने के लिए था, इनको हम इन्फोर्स तो नहीं करा पाए, जस्ट लाइक ए फंडामेंटल राइट की तरह इनको इन्फोर्स तो नहीं करा पाए, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे प्रावधान है उसके लिए बहुत पैसा चाहिए हमें, बस ये क्या कर सकते हैं, कोई लॉ बना रहे हैं तो इनको ध्यान में रख के आप लॉ बना सकते हो ताकि वेलफेयर स्टेट की फॉर्मेशन हो जाए। अंबेडकर जी ने बोला है कि DPSP क्या है, इतने नोबल फ्यूचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो आपको याद रखना DPSP नोबल फ्यूचर है, क्वेश्चन पूछा भी गया।
प्रिंसिपल क्या डीपीएसपी का, एक तरह से अनजस्टिएबल है, मतलब कि कोर्ट तो इन्फोर्स नहीं कर सकती, जैसे जस्टिसिएबल है ये वाले, अगर कोई वायलेशन होता है आपके फंडामेंटल राइट्स का तो आप सीधे कोर्ट में जा सकते हो, पर डीपीएसपी में आप नहीं जा सकते, ठीक है, ये भी याद रखो, दे आर नॉट इन्फोर्सेबल टू द वायलेशन, अगर कोर्ट में आप नहीं जा सकते इनका वायलेशन होता है, दे अनलेस, मतलब ये एक तरह से मॉरल ऑब्लीगेशन है, कोई भी आपको स्टेट लॉ मेकिंग प्रोसेस कर रही है तो उसमें रूल का सोच के गांधीयन प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल सोच के इनको अप्लाई करवा सकती है। एज ए सच प्रिंसिपल डायरेक्टिव जो है फंडामेंटल राइट, एक तरह से गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, डीपीएसपी जो है प्रमोट करते हैं आइडिया ऑफ सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, यहाँ पे पॉलिटिकल था, यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी का आइडिया प्रमोट करते हैं, वेलफेयर स्टेट इंडिया में हो। जो मिनरवर मिल केस आया था 1980 में, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फाउंड ऑन द बेड रॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक बैलेंस बिटवीन बना के रखना पड़ेगा। फिर आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ठीक है, ओरिजिनली नहीं थी, 42 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में इसको ऐड किया गया, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, और ये रिकमेंडेशन थी स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी, उससे इनको ऐड किया गया। अब इसमें क्या था, पार्ट 14A को ऐड किया गया और आर्टिकल 15A को भी ऐड किया गया, इसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ऐसा आपको याद रखना है। और जो हमारा जो आइडिया है वो सेकुलर स्टेट का है, ये भी 42 में ऐड किया गया 1976 में, ये इक्वल रेस्पेक्ट करता है सारे रिलीजन की, प्रोटेक्टिंग ऑल द रिलीजन, कोई स्टेट का कोई धर्म नहीं है, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देनी है। जो सेकुलर करेक्टर है हमारे बहुत सारे आर्टिकल उनमें रिप्रेजेंट है, जैसे आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, 15 यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कास्ट रेस नहीं कर सकते, आर्टिकल 16 एम्प्लॉयमेंट में नहीं कर सकते, डिसेंट और ऐड कर लेना, राइट टू फ्री एंड प्रोफेशन आपके पास अधिकार है, प्रोपोगेट करने का अधिकार है, आपके रिलीजन पे कोई मानने का अधिकार है, तो 28, 29, 30 और 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको भी बोलते हैं 44 बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को। तो यहाँ तक तो आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए, और एक हो गया आपका डीपीएसपी, तो ये कहीं ना कहीं सोशल करेक्टर, ये इतने आर्टिकल्स हैं ये बोलते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जैसे आप 18 साल के हुए आप वोट कर सकते हैं, पहले जो एज थी वो 21 साल थी। 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एक है 1988 में, और अगले साल एक साल बाद ही 1989 में एज चेंज करके 18 साल कर दी गई जो थी। सिंगल सिटीजनशिप है, एक बार आपने सिटीजनशिप ले ली मतलब है तो वो मानी जाएगी दोनों में, पर आपको क्या है कि अमेरिका में क्या होता है, स्टेट की अलग सिटीजनशिप होती है, सेंटर की अलग सिटीजनशिप होती है, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। अब पहले जम्मू कश्मीर में होती थी अलग से सिटीजनशिप, तो खत्म कर दिया तो अलग खत्म हो गया। इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो इलेक्शन कमीशन होगी, कैग होगी अपनी, यूपीएससी होगी, स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, इंडिपेंडेंट अपनी तरीके से कर सकती हैं। इमरजेंसी प्रोविंसेस है हमारे, मतलब जो कुछ प्रोविजन है इमरजेंसी, आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, किस किस ग्राउंड पर लगा सकते हैं, कोई वार हो या एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ हो या आम रिबेलियन हुआ, दो बेस पे आप इमरजेंसी लगा सकते हैं। 356 में स्टेट इमरजेंसी बोल दो या प्रेसिडेंट रूल बोल दो, वो कब लगती है, फेलियर हो जाए कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैकेनिज्म है या मशीनरी है वो स्टेट फॉलो करने फेल हो जाए, ठीक है, तब लगती है। और जब फेल हो जाता है आर्टिकल 365, जो फेलियर मतलब डायरेक्शन ऑफ द सेंटर, सेंटर का डायरेक्शन चलता है, ऐसे आर्टिकल 365 बोलता है। और 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वो आज तक नहीं लगी है भारत में, ये भी याद रखो। फिर हमारे क्या, थ्री टायर स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है, आपको पता ही होगा थ्री टायर स्ट्रक्चर कैसी होती है, कि मतलब कि सेंटर और स्टेट और लोकल, ऐसे हमारे थ्री स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है। 73 कॉन्स्टिट्यूशन या 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ये ऐड किया गया था, ठीक है ना, और 73 में ऐड किया गया था कि इसमें पार्ट 9 का गठन किया गया था और शेड्यूल 11th आया था। 74 म्यूनिसिपैलिटी बनाई गई थी, इसमें पंचायत, इसमें म्यूनिसिपैलिटी, पार्ट 9A बनाया गया था, शेड्यूल 12 ऐड किया गया था। हमारे यहाँ बाद में चलते चलते 2011 में कॉर्पोरेट सोसाइटी का भी एक्ट लेके आए थे 1970 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, और राइट टू फॉर्म ए जो कॉर्पोरेट सोसाइटी अंडर आर्टिकल 19 में ऐड किया गया था। आर्टिकल 43B डीपीएसपी का जो है उसमें प्रमोट द कॉर्पोरेट सोसाइटी, उनको भी ऐड किया गया था, ये गांधीयन प्रिंसिपल में आते हैं 43B। और 9B एक पार्ट बनाया गया था, 9B, देखो 9th यहाँ पे 9B बनाया गया था, आर्टिकल 243ZS से लेके 243ZT तक ये सारे आर्टिकल बनाए गए थे। क्रिटिसाइज भी किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को कि हमने ये भीख मांग के लेके आए हैं, कॉपी कर दिया हमने 1935 का जो अंग्रेजों का ही था, अन इंडियन है, एंटी इंडियन है, अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन है, एलिफेंटिक साइज इतना बड़ा है, और लॉयरों ने बनाया है ये सारा कुछ हमारे इसके लिए अंदर इसमें बोला जाता है। दूसरा आता है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल कैसा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हम पढ़ेंगे। प्रीएम्बल ये आप पढ़ लेना क्या क्या बोलता है, जस्टिस कैसा बोलता है,
देखो जस्टिस बोलता है सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल होना चाहिए, लिबर्टी कैसी होनी चाहिए, हमारी थॉट में, एक्सप्रेशन में, बिलीफ में, फेथ में, वर्शिप में होनी चाहिए, इक्वलिटी कैसी होनी चाहिए, सबका स्टेटस इक्वल होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी सबको प्रमोट होना चाहिए अमंग देम ऑल, फ्रेटर्निटी कैसी होनी चाहिए, कि एश्योर होना चाहिए डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये सारी चीज़ होनी चाहिए। फिर यही है 26 को 1949 को कंप्लीट कर लिया गया था, अडॉप्ट कर लिया गया था, ये सब उसमें लिखा हुआ। अब मैं बताता हूँ प्रेम्बिल है क्या था। प्रेम्बिल एक इंट्रोड्यूस किया गया था स्टेट एज ए डॉक्यूमेंट, ठीक है, एक्सप्लेन किया गया था डॉक्यूमेंट फिलोसफिकल ऑब्जेक्टिकल था, ये फिलोसफिकल था, ऑब्जेक्टिव था। और मैं आपको बता दूँ ये ओरिजिनल पार्ट नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया, आगे आएगा जब मैं बताऊँगा यहाँ पे आएगा। इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रेजेंट इंटेंशन है ऑफ द मतलब कि फ्रेमर की हिस्ट्री बिहाइंड कैसे बनाना है अपना कॉन्स्टिट्यूशन, उसका एक पूरा सा ये बोल लो एक सोल था कि आपको ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, जस्टिस देना है, लिबर्टी देनी है, इक्वलिटी देनी है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। तो एक तरह से प्रिंसिपल ऑफ द नेशन का कैसा बनाना है, कोर वैल्यू जो है वो इसके अंदर मेंशन है आपके इसके अंदर। प्रीएम्बल का जो बेसिक आइडिया है वो क्या है कि सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से है, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट कैसी रहेगी, स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्टिव कैसे रहेंगे और डेट ऑफ अडॉप्शन कैसी है, तो सारा कुछ इन ये जो सोल स्ट्रक्चर है यहाँ से लिए गए। हिस्ट्री क्या है कि प्रीएम्बल जो था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, पर जवाहरलाल नेहरू एक लाए थे ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन लेके आए थे, ये बनाया जा ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जा रही थी, जब पूरा तैयार किया जा रहा था तब एक ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन लेके आए थे, बोला ना इसके हिसाब से हम अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो इसको अडॉप्ट किया गया, ठीक है ना। और 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन को और तैयार किया गया, इसके ऊपर हमारा संविधान बना। आगे चल के हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको ठीक है, ये भी इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। प्रीएम्बल इज द स्टेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट एज द एड ड्यूरिंग द, मतलब एक तरह से ये है कि हमें ऐसा अपना संविधान रखना है, ये भी इन्फोर्स नहीं हो सकता, कोर्ट में आप इन्फोर्स नहीं कर सकते अगर कोई दिक्कत आती है तो। कुछ कंपोनेंट है इंडिकेटर प्रीएम्बल के, सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द पीपल के हाथ में है। प्रीएम्बल डिक्लेयर करता है इंडिया सोवरन होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव स्टेट का कैसा होना चाहिए, सेकुलर जस्टिस होना चाहिए, लिबर्टी इक्विटी एंड ऑल द सिटीजन के लिए होनी चाहिए, प्रमोट होनी चाहिए भाईचारा फ्रेटर्निटी, मेंटेन होनी चाहिए यूनिटी, इंट्रीग ऑफ द नेशन मिला होना चाहिए। द डेट इसमें मेंशन है कि कब अडॉप्ट किया गया, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया। कुछ कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स क्या क्या हैं, जो जो इसमें वर्ड यूज़ किए हैं उनका मतलब मैं आपको बताऊँगा क्या क्या इसके अंदर वर्ड यूज़ किए गए, यहाँ तक पढ़ेंगे और फिर इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। मैं सोए भी नहीं हूँ, मतलब अभी मुझे सोए हुए कम से कम आप मान सकते हो, मैं कल शाम 6 बजे का उठा हुआ हूँ और अब 6 बजने वाले हैं, 24 घंटे हो जाएंगे, मैं सोए भी नहीं कभी। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, इट इंडिकेट दैट द अल्टीमेट सोवरेनिटी टू ऑल द पीपल। सोवरेनिटी मींस क्या होता है कि इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, मतलब आपकी स्टेट गुलाम नहीं है किसी के, हम आज़ाद हैं अपने आप, नॉट बींग सब्जेक्टेड टू कंट्रोल एनी अदर स्टेट, कोई एक्सटर्नल पावर हमें कंट्रोल कर रही है, जैसे तालिबान अफगानिस्तान को कर रहा है, नहीं हम गुलाम नहीं है, हम सोवर्न है, हम आज़ाद हैं। तो सोवरिज्म का मतलब क्या होता है, मीन दैट इंडिया इज़ द ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, ठीक है, सब हमारे पास है, किसी हम डोमेन नहीं है किसी एक्सटर्नल पावर के, तो आपको याद रखना है। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, अचीवमेंट द सोशलिस्ट जो हमारी डेमोक्रेटी होनी चाहिए सोशलिस्ट होनी चाहिए, फेथ होना चाहिए ना मिक्स्ड इकोनॉमी में, ना बोथ प्राइवेट एंड द पब्लिक, ना कि कम्युनिस्ट की तरह नहीं होना चाहिए कि सब चीज़ पे गवर्नमेंट होल्ड रखे सारी इकोनॉमिक कंडीशन पे, हमारी क्या होनी चाहिए दोनों में इक्वल फेथ होना चाहिए, प्राइवेट में भी और पब्लिक में भी। ये एडिट किया गया था 42 में, सोशलिस्ट जो एडिट किया गया था ये 42 में एडिट किया गया था, आपको याद रखना है। फिर आता है सेकुलर, हमारी जो होनी चाहिए किसी रिलीजन सारे धर्म इक्वल होने चाहिए हमारी स्टेट के सामने, इसको भी 42 में ऐड किया गया था। हम डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक तो आप तो पता ही है कि हमारी डेमोक्रेसी पीपल एक्सप्रेस देयर इलेक्शन में चुन पीपल के द्वारा चुनी सरकार होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक। रिपब्लिक होनी चाहिए कि जो हमारी इंडिकेट करे हेड ऑफ द स्टेट होगा इस इलेक्टेड बाय द पीपल, देखो अभी हमारा हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड बाय द पीपल इन इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द इलेक्टेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, प्रेसिडेंट है ये भी इलेक्टेड होते हैं, हम MLA को चुनते हैं या MP को चुनते हैं, MP प्रेसिडेंट को चुनते हैं, तो ये भी हेड ऑफ द स्टेट है वो भी इलेक्टेड होते हैं हमारे यहाँ, तो ऐसा हमारा रिपब्लिक हमें थॉट की। ऑब्जेक्टिव थे इंडियन रिसोल्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ, मेंटेन करना है इंटीग्रिटी ऑफ द सोसाइटी, प्रमोट करना है यूनिटी भाईचारा अमंग द सिटीजन, उसको बिल्ड करना है, प्रमोट करना है हारमोनी थ्रू आउट द कंट्री, एक हारमोनी प्रमोट करनी है पूरी कंट्री के अंदर, आपको पता ही है। फैक्टर जो है जो हेल्प करते हैं अचीव करने वो है जस्टिस, जस्टिस कैसा होना चाहिए, सबको इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए, जो फंडामेंटल राइट हैं DPSP हैं कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं जस्टिस के लिए, ठीक है। इट कॉम्प्रोमाइज द सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल, तीनों टाइप के, देखो फंडामेंटल हो गए पॉलिटिकल,
DPSP अगर सोशल और इकोनॉमिकल, तो ये आपको पता है. सोशल जस्टिस तो आपको पता ही है क्या होता है, क्रिएट करता है सोसाइटी को, कि मतलब कि कास्ट रिलीजन बेस पे ऊपर से बाहर निकल के आप सोशल जस्टिस के ऊपर निकल जाओ. इकोनॉमिकल जस्टिस जो होना चाहिए, मतलब कि मीन नो डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए किसी को, तू गरीब है अमीर है, इस बेसिस पे उनको तो सबके सामने इक्वल जस्टिस होना चाहिए. पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए. जस्टिस तीन प्रकार के बताए ना हमारे इसमें, देखो जस्टिस कितने प्रकार के बताएं. जस्टिस कैसा होना चाहिए, सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल. सोशल इकोनॉमिकल डीपीएस में बताया गया, पॉलिटिकल फंडामेंटल राइट्स में बताया गया, तो वही मैं आपको आगे बता रहा हूँ. पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए मीन ऑल द पीपल आर इक्वल फ्री एंड फेयर टू राइट टू विदाउट डिस्क्रिमिनेट द पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी. कोई भी आदमी पार्ट कर सकता है विदाउट कोई डिस्क्रिमिनेशन. थे इक्वलिटी होनी चाहिए. इक्वलिटी मीन्स नो सेक्शन हैव द सोसाइटी एनी प्रिविलेज. किसी सेक्शन में कोई प्रिविलेज नहीं होनी चाहिए कि ये ऊंची जात के इनके पास ज़्यादा पावर है. नहीं, सबको इक्वल रखो, क्योंकि इक्वल बिफोर द लॉ, सब इक्वल है. लिबर्टी होनी चाहिए अपने बिलीव में, मतलब फ्रीडम होनी चाहिए हमको अपनी लाइफ को चूज करने के लिए, पॉलिटिकल व्यू को चूज करने के लिए सोसाइटी में. लिबर्टी डज नॉट मीन द फ्रीडम टू डू एनीथिंग. देखो ऐसा नहीं है कुछ भी करो. कुछ लॉ हैं आपके, कुछ आपकी धारा है, मतलब कुछ ऐसे लॉ हैं आपको क्या करना है. पर्सन कैन नॉट डू एनीथिंग बट लिमिटेड सेट बाय द लॉ. आप लॉ के अंदर कुछ भी काम करो पर लॉ ब्रेक मत करो, वो आपकी आज़ादी है. फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड की फीलिंग होनी चाहिए, इमोशन होनी चाहिए, अटैचमेंट, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ हैं. अब कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ. और क्या चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना. वे ऑफ लाइफ आपकी कैसी होनी चाहिए, इट इंक्लूड द फ्रेटर्निटी लिबर्टी एंड इक्वलिटी, ठीक है ना. ऐसी होनी चाहिए, हैप्पी लाइफ होनी चाहिए, विट कैन नॉट बी टेकन ईच अदर, आपको दूर नहीं कर सकते. लिबर्टी कैसी होनी चाहिए, कैन नॉट बी आप डिवोर्स द इक्वलिटी. देखो ये जो तीनों वर्ड है ना, लिबर्टी फ्रेटर्निटी इक्वलिटी, ये तीनों वर्ड एक ही वर्ड है. अगर इनको अलग करोगे ना तो आप ब्रेक कर दोगे कहीं ना कहीं. और लिबर्टी कैन नॉट, दूर नहीं कर सकते आप इक्वलिटी से. इक्वलिटी से दूर नहीं करते आप लिबर्टी को, दूर नहीं कर सकते, ठीक है ना. नोर कैन लिबर्टी, लिबर्टी नहीं मिल सकती तब तक आपको इक्वलिटी नहीं मिलेगी. तो सब ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं. विदाउट इक्वलिटी लिबर्टी वुड बी प्रोड्यूस द सुपरमेसी. अगर इक्वलिटी नहीं होगी सोसाइटी में, इक्वल नहीं होगा, तो लिबर्टी क्या जनरेट करेगी, लिबर्टी क्या जनरेट करेगी, लिबर्टी जनरेट करेगी आपकी सुपरमेसी जनरेट करेगी, ठीक है ना, ओवर द मैनी, ठीक है. इक्वलिटी विदाउट लिबर्टी किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव. तो ये सारी चीज़ें, विदाउट फ्रेटर्निटी लिबर्टी प्रोड्यूस द सुपरमेसी फ्यू ऑफ द मैनी, विदाउट फ्रेटर्निटी लिबर्टी कुड नॉट बिकम द नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग. तो तीनों एक साथ जुड़ी हुई है. स्टेटस क्या है प्रेम बिल का, अभी हमारा प्रेम बिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, जुडिशल रिव्यू हो सकता है. देखो एक आया था बीरू बारी केस, इसके अंदर क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्प्लीमेंट, ठीक है ना, इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट, ये सब बीरू बारी केस आया था. और इसमें कोर्ट क्या कहती है कि प्रेम बिल इज द की ओपन टू माइंड टू मेकर बट कैन नॉट बी कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ द लॉ. तो इन्फोर्सेबल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी नहीं है. पर केशवानंद भारती केस आता है, 13 जज बैठते हैं, बहुत लंबी बेंच बैठती है. प्रेम बिल इज द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट, विल नाउ कंसिडर एज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रेम बिल सुप्रीमेसी पावर तो नहीं है, ठीक है ना, कुछ प्ले द इम्पोर्टेंट रोल टू इंटरप्रेट द स्टेटस इन द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो क्या बोला कि आप चेंज तो कुछ भी कर सकते हो पर बेसिक पार्ट जो उसमें भी ऐड है उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है. इन 995 में क्या हुआ, यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC का केस आया. सुप्रीम कोर्ट एक चीज़ और ऐड कर देती है इसमें कि क्या करती है, वंस अगेन हेड दैट द प्रीएम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट द डायरेक्ट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट. मतलब आप इन्फोर्स नहीं कर सकते जस्ट लाइक ए DPSP एंड जस्ट लाइक ए फंडामेंटल ड्यूटीज, पर आपकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इन्फोर्सेबल कर सकते हो. अमेंडमेंट कर सकते हैं नहीं कर सकते, देखो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है. देखो अमेंडमेंट तो किया गया, तीन वर्ड इसके अंदर ऐड किए गए जो आपको कमेंट में बताने हैं कौन कौन से वर्ड हैं, ऊपर मैंने बताया, ठीक है. इट कैन एक्सेप्ट द प्रीएम्बल एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रीएम्बल कैन बी अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 के अंदर हम उसे अमेंडमेंट कर सकते हैं पर बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट को नहीं कर सकते, ऐसा केशवानंद भारती केस में बताया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकते बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द प्रीएम्बल. देखो बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रीएम्बल के बेस के ऊपर रखा गया, अगर आप प्रीएम्बल चेंज कर दोगे तो कैसा सॉल्व बॉडी रह जाएगी, ठीक है. प्रीएम्बल को एक ही बार चेंज किया गया 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में और तीन वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट सेकुलर और इंटीग्रिटी ऐड की गई थी. 42 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में, सोशलिस्ट सेकुलर वर एडेड बिटवीन सोवरेनिटी डेमोक्रेटी यूनिटी और नेशन कैन बी चेंज यूनिटी इंटीग्रिटी और नेशन. तो ये कुछ चीज़ें इसमें की गई थी. फैक्ट टू नो,
आर्टिकल 394 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, देखो ये सारे सिटीजनशिप के लिए हैं, 60, 324 ये इलेक्शन कमीशन के लिए, 367, 379, 394 केम इन टू फोर्स सिंस द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था तो ये फोर्स हो गए थे और 26 जनवरी के बाद पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स हो गया था। कॉन्सेप्ट क्या है हमारी जो है, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी इन आवर प्रीएम्बल अडॉप्ट फ्रॉम द फ्रेंच से लिए गए हैं। ये जो लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी है ना LEF, याद रखना लिट्टे इकोनॉमिक फेडरेशन, ऐसे मैं याद कर रखता हूँ, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी जो है ये फ्रेंच से लिए गए हैं, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से वर्ड निकले हैं। आगे पढ़ेंगे आपको यूनियन और इस टेरिटरी, यहीं पे स्टॉप करूँगा वीडियो, ये अपलोड करूँगा, मेरी कोशिश रहेगी आज से, मैं आपको बताऊँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको, ये तो मैं करूँगा ही, आज मैं इसके 50 पेपर कर दूँगा। कल सुबह आप जब मॉर्निंग में उठोगे ना तो आपको इसके 50 पेपर मिलेंगे, जब मॉर्निंग में आप उठोगे तभी भी उठोगे, कल तक इसके 50 पेपर कर दूँ, आज 50 पेपर करके सोऊंगा। और मेरी कोशिश रहेगी आज का दिन, देखो मेरी जो दिन स्टार्ट होता है रात के 12 बजे से स्टार्ट होता है, मैं 6-7 बजे सो जाता हूँ, मैं सीधा 12-1 बजे उठता हूँ, तो आज की रात में ये हो जाए 50 पेपर, कल को फिर मैं इसके 50 पेपर और परसों को फिर 50 पेपर, ये पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से इसका, इसको 1.25 या 1.5 करके आप स्पीडली देख सकते हो, एक दो बार रिवीजन कर सकते हो। मैं आपको बता दूँ 50 पेपर में मतलब 4 वीडियो होंगी, ऐसे बनाऊँगा 15 पेपर की एक वीडियो, ये वीडियो कम कम की थी, 15 पेपर की एक वीडियो बनाऊंगा या फिर 10 पेपर की एक वीडियो, तो इसी 17 पेपर, 170 पेपर हैं तो 17 वीडियो होंगी नियर अबाउट एक एक घंटे की, 17 घंटे में आपका पूरा रिवीजन हो रहा है, 1.5 करके देखो तो 10 घंटे में पूरी क्वालिटी पढ़ रहे हो आप, और इसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा क्योंकि मैं ये बहुत ढूंढ के लाया हूँ, ये जो PDF लाया हूँ ऐसे नहीं लाया, बहुत सारी PDF हैं, बहुत सारा मटेरियल है, पर वो रिलेवेंट है या नहीं है, इसमें हम सब कुछ कवर कर रहे हैं, सब कुछ कवर कर रहे हैं, बुक से मिला लेना। तो ये मैं स्टॉप दूंगा अपनी विराम को, आप देख सकते हैं।